नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड से एक महिला 25 अगस्त से लापता हो गई है। 45 वर्षीय कविता देवी खूंटी जिले के खटंगा पंचायत की रहने वाली है, जो कि 25 अगस्त को दोपहर 12 बजे तोरपा से रामगढ़ अपने मायके जाने के लिए घर से निकली थी। वो तोरपा से रामगढ़ जाने के लिए बस पर बैठी थी, मगर वो रांची पहुंचकर लापता हो गई है। उसके घर वालों ने बताया है कि वो हरे रंग की साड़ी पहने हुए है और अब तक उसका कुछ भी अता पता नहीं चल पाया है। परिवार वालों ने 2 नंबर जारी किए हैं और जिस किसी को भी ये महिला दिखाई दे तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए पूरे मामले के बारे में उनके परिजनों से बातचीत करके जानते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटू यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? रामगढ़ के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या मामला हुआ है? उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जिसके कारण से वो कौन मेरे दीदी है। क्या नाम है दीदी का? कविता देवी। अच्छा, वो कहाँ शादी हुआ था उसका? उसका शादी हुआ था रनिया थाना है, मेरंगवीर गांव है। अच्छा, तो वो कहाँ जा रही थी? रामगढ़ जा रही थी। वो रामगढ़ आ रही थी। कब, कौन से दिन? 12 बजे निकली थी। कौन सा दिनांक? 25 को। 25 को, 25 अगस्त को। क्या चीज से जा रही थी रामगढ़? बस से निकली थी। कौन से बस से? बस नहीं पता अभी हमको। अच्छा, शायद अंजनी बस या कृष्णा बस था ना? यही दोनों, अंजनी बोली शायद। अच्छा, उतना कंफर्म तो नहीं है। तो बातचीत हुआ था आने से पहले दीदी से कि मैं आ रही हूँ बोल के? दीदी से बातचीत नहीं हुआ था। वो मेरा भागना था, वो फोन किया था जो अच्छा दीदी जा रही है से रामगढ़ बस स्टैंड पास, तुम लोग रिसीव कर लेना। अच्छा, तो फोन उसके पास नहीं था क्या, दीदी के पास? नहीं, फोन नहीं है उसके पास। था ही नहीं या फिर उस दिन वो नहीं पकड़ी? फोन था ही नहीं उसके पास, शुरू से नहीं था। पहले रखती थी, बीच से नहीं रखने लगी। अच्छा, दिन बाद। तो कुछ ऐसा घर में कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ ऐसा? वैसा कुछ बात नहीं, वो सब कुछ नहीं बताई। ऐसा कुछ भी नहीं था? वैसा कुछ नहीं। तो क्या जानकारी है अब तक, कहीं देखी गई या फिर किसी ने देखा? सीसीटीवी कैमरा तो वहां तक बोला है, वहां तक पता चला जो उन लोग रेलवे है। रेलवे स्टेशन पास। उसके अच्छा। बाद कोई जानकारी नहीं मिली। बस स्टैंड वगैरह में तो पता किए तो नहीं बताई, कोई कुछ पता नहीं चला। रेलवे स्टेशन का कहां पे दिखाई दी, मतलब जंक्शन में? हाँ, रांची जंक्शन अंदर में। हाँ। अच्छा, अपने साथ क्या लिए हुए है और कौन रंग का कपड़ा है? हरा कलर के साड़ी पहन ले। अच्छा, और एगो बैग है। अच्छा, एगो झोला है। अच्छा, और मोबाइल फोन नहीं है। बाकी आधार कार्ड वगैरह ये सब, कोई कागज वागज? ये सब जानकारी नहीं है भैया। अच्छा, अभी तक किसी ने फोन करके कोई जानकारी दी है, किसी ने देखा नहीं है बोल के? अभी तक तो कोई जानकारी नहीं दिया है। फेसबुक व्हाट्सएप सब में डाल दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला है। पुलिस वालों, मतलब कंप्लेन दर्ज हुआ है कोई, पुलिस वालों ने कोई अभी तक कोई जानकारी इससे संबंधित? कोई जानकारी नहीं दिया पुलिस वालों ने भी। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कैसे ऐसे अचानक, मतलब रामगढ़ जाने के लिए निकली थी और रेलवे स्टेशन पहुंच गई, क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, जिसके कारण से वो वहां पहुंच अच्छा गई। पहले भी ऐसा कुछ हुआ था क्या कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ था, लेकिन फिलहाल में ऐसा महसूस हमको लग रहा था। मतलब बातचीत से आपको लग रहा था क्या? हाँ। अच्छा, तो फिर उसको अकेले, तो आपके जीजा जी? नहीं, वो नहीं, उसको बोला बस बैठा दो। अच्छा, हम चल जाएंगे। अच्छा, पहले भी वो अकेले आना जाना करती? हाँ, थी क्या? कई बार आई, आ गई, आए की भी और गई भी। अच्छा, कितने बाल बच्चे हैं उनके? दो, एक बेटा एक बेटी है। अच्छा, तो अभी तोरपा में भी काफी ढूंढ रहे होंगे वो लोग भी? हाँ, ढूंढ तो रहे हैं उन लोग भी, परेशान सब है। घर से कितना रुपया लेकर वो चली थी ये तो जानकारी नहीं है। अच्छा, क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो फिर दिक्कत तो बहुत है। हाँ, बाहर में खाना पीना से लेकर आना जाना, और मोबाइल फोन भी अगर साथ में नहीं है तो फिर उसके ढूंढना तो और मुश्किल है। अच्छा, और कोई खास जानकारी इससे संबंधित कोई बताने लायक हो? और इससे ज्यादा तो जानकारी नहीं है भैया। अच्छा, रामगढ़ वो डायरेक्ट बस था क्या वहां से?
नहीं, वो खादगढ़ा से बस बैठती रामगढ़, तो खादगढ़ा नहीं गई, वो बस स्टैंड अथी चल गई रेलवे स्टेशन। यानी कि वो तोरपा से फिर मतलब अपने घर से तोरपा होते हुए खूटी होते हुए रांची पहुंच गई। रांची पहुंचने के बाद खादगढ़ा पहुंची ही नहीं। खादगढ़ा पहुंची, उतरी वहां से, वहां से उतरने के बाद वो चल गई, जो वहां से बस बैठना था ना। अच्छा अच्छा तो बस नहीं बैठ के अच्छी चल गई, स्टेशन चल गई। स्टेशन जाने के लिए तो फिर ऑटो का सहारा लेना होगा, है ना? ऑटो से ही गई होगी, पैदल तो नहीं गई होगी। हाँ हाँ वही है कि मतलब ऑटो में गई फिर वो स्टेशन गई। मानसिक स्थिति ही कुछ उस तरह का हुआ होगा, नहीं तो मेरे ख्याल से तो नहीं जाना चाहिए ऐसे। नहीं, वो सब ठीक ठाक थी, पढ़ी लिखी है, ऐसा बात नहीं। अच्छा, फिर अचानक ऐसे मोबाइल फोन छोड़कर जाना, कोई उधर से जानकारी आपको नहीं मिल पा रहा है क्या, कुछ कारण? अभी तक तो कुछ कुछ नहीं मिल पा रहा है। वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग भी घूम ढूंढने में परेशान है पूरा। अच्छा अभी तो सब रांची की तरफ ढूंढ रहे हैं।